भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद ने नजरपुर के ग्राम प्रधान भूपेंद्र यादव के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। अपनी इस मांग को लेकर परिषद के कार्यकर्ता मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सुनील कुमार सिंह के साथ ग्राम नजरपुर के ग्राम प्रधान भूपेंद्र यादव ने गत 1 अप्रैल को नजरपुर गोरक्षण केंद्र पहुंचकर गुंडई दिखाते हुए गाली गलौज और मारपीट की, जिसकी जानकारी मुंडा पांडे थाना पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे उस गौशाला में बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस केंद्र की पिछले 1 वर्ष से गोवंश के रखरखाव को लेकर पहले भी कई शिकायत हुई है। यहाँ पर गोवंश भूख और प्यास के कारण मर जाते हैं। जिलाधिकारी से मारपीट एवं गाली गलौज करने वाले व्यक्ति व उसके साथियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग उठाई गई है। परिषद के राष्ट्रीय सदस्य प्रमोद राणा ने बताया कि इस दौरान शैलेंद्र गुप्ता, मोनिका कश्यप, सोमपाल, आरती गुप्ता एवं रंजीत सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद राणा, राष्ट्रीय गोरक्षण आंदोलन समिति विश्व हिंदू परिषद का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। 1 तारीख को वृत गौ संरक्षण केंद्र नाजरपुर हमारे गोरक्षा विभाग के कार्यकर्ता गौशाला में पहुंचे, वहां बहुत सारी अनियमितताएं देखी, प्रधान से उस बात को रखा, लेकिन प्रधान भड़क गया और भड़कने के साथ साथ उसने हमारे कार्यकर्ता के साथ अभद्रता की, उसके थप्पड़ मारा, महिलाओं के साथ उसने गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया। वहाँ पर गाय गौ माता भूख से प्यास से तड़प रही हैं और वहाँ पर कोई भी खाने की चारे की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हमने भूपेंद्र यादव को ये बात संज्ञान में डाली। ये कौन है भूपेंद्र यादव? भूपेंद्र यादव ग्राम प्रधान है और उसने जो है इस बात को कहते हुए बोले, यहाँ तो रोज गाय मरती हैं, यहाँ दवा हमने दवा रखी है, उसी उसने धमकी भी दी साथ में कि जिस तरह से गाय मर रही है यहाँ दवा रहा हूँ, ऐसी तुम लोगों को भी मैं दवा दूंगा। कोई संगठन नहीं है, कोई गोरक्षा विभाग नहीं है, ऐसे बहुत सारे संगठन आते रहते हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं कही? इसकी शिकायत हमने थाना मुंडे पांडे SO को दी, लिखित में उनको एप्लीकेशन दी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जानकारी हमने कप्तान साहब को दी, कप्तान साहब के संज्ञान में है, कप्तान साहब ने हमें पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज 4 दिन हो गए जिसकी जांच CO हाईवे कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो ग्राम प्रधान है उसको गिरफ्तार किया जाए और गौ माता पर जो अत्याचार वो कर रहा है, जो उनके से जो चोरी कर रहा है, उसे उसको खाने उनको खाने भूसा हरा चारा पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रहा है सही से, व्यवस्थाएं वहाँ पर सही हो, ये हम अधिकारियों से मांग करते हैं। समय पर जाकर के उस गौशाला केंद्र का निरीक्षण हो, क्योंकि वह शहर से बहुत दूर है और मेन हाईवे से करीब 15 किलोमीटर अंदर है, जहां पर कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता।